देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 53,480 कोरोना मरीज मिले हैं और 354 की संक्रमण से जान चली गई है। एक दिन पहले की तुलना कोरोना से मरने वालों की संख्या में हुई वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को कोरोना से 271 लोगों की जान गई थी। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,21,39,335 पहुंच गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 1,62,468 पहुंच गई है। इधर देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,52,566 है और 1.14 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हीं राज्यों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में से 8 महाराष्ट्र से हैं और दिल्ली भी एक जिले के रूप में इस सूची में शामिल है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण पर सभी राज्यों और देशवासियों को आगाह किया है। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण सभी स्थिति बद से बदतर हो रही है और यह खास तौर पर कुछ राज्यों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने कहा कि पूरा देश जोखिम में है, ऐसे में किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस बीच देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 6,30,54,353 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना टीकाकरण को तेजी से बढ़ाने और लोगों को इसके लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्देश दिया है। सीएम ने निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी कर्मियों और निजी सेक्टर के कर्मियों को टीकाकरण की तिथि पर अवकाश दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।